धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन रवाना की गई है। दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होगा और उसके बाद यकीन मानिए ये उन जगहों पर जाएगी ट्रेन जहां पर भगवान श्री राम गए थे 14 वर्ष के वनवास के दौरान। आप वहां पर जा सकेंगे, वहां घूम सकेंगे। इस ट्रेन का उद्देश्य ही यही है। तकरीबन 800 यात्री इस ट्रेन में सवार हैं। श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो चुकी है, अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे ने श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी देर में अब खुलने को तैयार है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी हरी झंडी दिखाएंगे श्री रामायण एक्सप्रेस को। ये ट्रेन थोड़ी देर में खुलेगी। स्वागत है। इसका अगला पड़ाव होगा अयोध्या की नगरी, भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर ये ट्रेन पहुँचेगी। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन करीब 15 दिनों का सफर तय करके सीधे फिर दिल्ली के लिए रवाना होगी। आप देख सकते हैं ये ट्रेन थोड़ी देर में खुलने को तैयार है। और ये पूरा जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है वो राममय हो गया है। कहीं ना कहीं रामायण के हर कलाकार जो यह चाहे वो हनुमान के तौर पे हो, भगवान हनुमान के तौर पे हो, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर किरदार, रामायण का हर किरदार इस सफदरजंग रेलवे पे मौजूद है। और ये ट्रेन 16 दिनों में भगवान राम की तमाम तीर्थ स्थली से होते हुए सीधे रामेश्वरम पहुंचेगी और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं 15 दिन का सफर है। ये तीर्थयात्री सबके मन में उत्सुकता है कि कैसे राम की नगरी अयोध्या पहुंचा जाए। तो पहला जो स्टॉप होगा यो अयोध्या होगा। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार।